On the 27th of March, an art exhibition and seminar was held in Quetta, Pakistan, on the topic of mental health. Artists were asked to paint on the topic of mental health, and their artwork was later displayed. बेसिकली हमारा जो जो मोटिव है या जो इशू हमने हाईलाइट किया था सोसाइटी में वो ये है कि पाकिस्तान में न तनहा इस माशरे में जहाँ पे या क्वेटा में हम लोग रह रहे हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है मेंटल हेल्थ को एक टैबू की तरह जो है ट्रीट किया जाता है और उसको जो है एक सीरियस इलनेस की तरह जो है नहीं ली जाती या सीरियस भी ले जाती है तो उसको जो है छुपाया जाता है तो हम जो है हमारा मोटिव था कि हम जो है हमारे माशरे में जो है इस चीज़ को एक आम सी फहम के लिए जो है बनाया जाए ताकि हर कोई अपने मेंटल हेल्थ के हवाले से जो है आके बात करे और ओपनली बात करे ताकि उसका क्योर या उसका ट्रीटमेंट हो जाए। दूसरी बात यह है कि ड्रग एडिक्शन भी हमारी सोसाइटी में आजकल एक बड़ा इशू एक क्राइसिस बनते जा रहा है और रोज बरोज ड्रग एडिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहा है जिसकी वजह से ड्रग एडिक्शन की वजह से मेंटल इलनेस भी ज़्यादा होती है और ड्रग एडिक्शन और मेंटल इलनेस के बीच में बहुत कोरिलेट है क्योंकि जो ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं वो मेंटल हेल्थ इशू के शिकार हो जाते हैं सो दैट्स वाई हमने एक सेमिनार कंडक्ट किया है जिसमें हमने एक अवेयरनेस सेशन रखा हुआ है जिसमें हमारे मुख्तलिफ गेस्ट स्पीकर मेंटल हेल्थ के बारे में आगाह करेंगे लोगों को The artists were very appreciative of the organizers for arranging a safe space for them to express themselves regardless of whether they suffered from mental health issues or not मेरे हवाले से जो है मेंटल इलनेस एक ऐसा टॉपिक है जो नॉर्मली लोग नहीं उठाते हैं नॉर्मली नहीं करते हैं इस हवाले से बात नहीं करना चाहते मैं खुद पास्ट 2 ईयर्स से जो है मेंटल डिजीज़ में मुझे मेंटल डिजीज़ था जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जिसमें मैं खुद भी मुब्तला थी तो वो ठीक नहीं हुआ था वो वक्त के साथ इतने जल्दी ठीक नहीं हो गया था मैंने डिफरेंट थेरेपीज़ ली उसके बाद 2 ईयर्स के बाद मैंने रिकवर करना स्टार्ट किया एज अ आर्टिस्ट मैं इस चीज़ को देखूं तो मुझे मेरे वर्क ने सपोर्ट किया था तो इसी हवाले से मैंने अपनी पेंटिंग भी बनाई जिसका टाइटल मैंने रखा प्रिजन ऑफ थाट्स जिसमें मैंने एंजाइटी और डिप्रेशन को दिखाया है कि किस तरीके से इंसान की सोच के ऊपर हावी हो जाती चीज़ें किस तरीके से इंसान कुछ सोच नहीं पाता है जब वो डिप्रेशन में जाता है मैं मतलब इस तरह के इवेंट्स रखने चाहिए क्योंकि जो आर्ट है वो बहुत कम अप्रिशिएट होता है पाकिस्तान में खासकर इन रूरल एरियाज़ में तो मुझे लगता है कि ये जो होता है हमें सर्टिफिकेट दिया जाता है हमें अप्रिशिएट किया जाता है कि हम जीते या ना जीते फिर भी हमें अप्रिशिएट किया जाता है ये बहुत बड़ी बात है Quetta has long been struggling under the whims of terrorism partly because of which hundreds of thousands of the city's citizens suffer from depression. Yet, there has been very little done on the subject. The organizer stated that this was the first time that people made art to cope with the effects of terrorism and made portrayals of their mental state in Quetta City. क्वेटा में गुज़िश्ता 20-25 सालों से जिस तरह के हालात और वाकियात जो हैं लोगों के ऊपर गुजरे मखसूसतन हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर वो जो है शायद मैं तो ये कह सकता हूँ कि 80-90% जो नौजवान तबका है इस वक्त का नौजवान तबका वो लोग जो है ज़हनी दबाव या मेंटल हेल्थ से जो है कुछ ना कुछ मुश्किल के जो है दुचार है वो इस तरह क्योंकि जिस एज में वो लोग जो है बड़े हो गए या जिस एज में जो है वो लोग जवान हो गए उन्होंने जो है बम धमाके टारगेट किलिंग्स और खुदकुश जैसे जो है वाकयात देखे हैं जो उनके जहनों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा असर या दबाव जो है ला चुका है तो इस हवाले से जो है हमने जो रिहैब सेंटर का भी जो है हम लोगों ने शुरू किया था और साथ ही साथ जो है हमने इस एग्जीबिशन जो क्वेटा में पहली बार जो है मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है एक रिहैब ये आर्ट एग्जीबिशन हुआ है बल्कि अभी तो ख़त्म भी हो गया तो ये जो है हमारा मेन मोटिव या मेन मकसद यही था कि उस नौजवान नस्ल को जो है उनको एक्सप्रेस करने का मौका दे क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो टैबू है अभी तक ये मामलात मेंटल हेल्थ टैबू है अभी तक जो है हमारे जितने भी दादा नाना अब्बू ताया चाचा जितने भी हैं उन्होंने सिर्फ हमें यही कहा है कि अगर मेंटल हेल्थ है तो चुप हो जाओ किसी को कहना मत खामोश रहना लेकिन जो है हम लोगों ने उनको मौका दिया कि आप अपने आर्ट के थ्रू उसको एक्सप्रेस कर सके अगर जो है आप वर्बली नहीं कर सकते अगर आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते बुनियाद यहाँ से शुरू करें आप अपने कैनवस के ऊपर जो है अपने दिल का हाल अपने मामलात अपने ज़हनी दबाव को जो है
एक नक्काशी में या एक रंगों में जो है उसे उतार दे। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपने तमाम के तमाम जज्बात को जो है कैनवस के ऊपर उतारा है।